सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बीजेपी पर जबरन पार्टी ज्वाइन करवाने के आरोप लगाया है। इस बात का खुलासा हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा के साथ आई हुई टप्परे पंचायत के प्रधान रजनीश कुमारी ने किया। पत्रकार वार्ता में प्रधान रजनीश कुमारी ने बीजेपी पर जबरन पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाने का आरोप लगाया है, जिस पर राजेंद्र राणा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसी ओछी राजनीति करना न छोड़ी तो मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि समीरपुर में धूमल के घर पर पंचायत प्रधान के पंचायत संबंधी काम को करवाने के लिए जाने पर जबरन बीजेपी ज्वाइन करवाई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राणा ने कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसी राजनीति करना न छोड़ा तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। ये प्रधान जी ने जो कहा है, ऐसे बहुत सारे सुजानपुर क्षेत्र में मामले आए हैं जहाँ चुने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और उनके काम रोके जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे बनाने की बातें कही जा रही हैं और दबाव में और उनको जोर जबरन जो है वो बीजेपी के पटके डालने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है और लोगों की इच्छा के विरुद्ध की जा रही है। और ऐसे ही प्रधान रजनीश जी हैं जो कि टपरे ग्राम पंचायत की प्रधान है, किसी काम से पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास उनके कार्यकर्ताओं के साथ गई थी और वहाँ पर इनको पटका डाला गया। इन्होंने हालांकि कहा भी कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ, और उसके बावजूद भी डाला गया। इन्होंने आके फिर से कांग्रेस का पटका डाला और आज किसी अखबार में फिर से खबर जो है वो प्लांट की गई कि वे भारतीय जनता पार्टी में प्रधान जी रजनीश जो है वो स्टैंड करती हैं और वो बीजेपी में हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं बिल्कुल कांग्रेस के साथ हूँ और जिंदर राणा के साथ हूँ। और इस तरीके से जो घटनाएँ सुजानपुर में की जा रही है और भाजपा के जो नेता लोग करवा रहे हैं, मुझे हम इनकी घोर निंदा करते हैं और इस तरीके की अगर विषय में करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे विरोध करेंगे इसका। हम घबरा नहीं रहे हैं, हम उनको सलाह दे रहे हैं कि 2014 के चुनावों में जो आपने देश की जनता के साथ झूठ बोला है और लोगों को ब्राइब दे के वोट लिए हैं, इन्होंने कहा है कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा, ये ब्राइब थी। ब्राइब देके जो वोट लिए हैं और झूठ का सहारा लेके जो सत्ता में आए हैं, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही हो, चाहे इन्होंने 15 लाख व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात कही हो, चाहे महंगाई को लगाम लगाने की बात कही हो, इन सब चीज़ों में ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, फेल हुई है। पन्ना प्रमुख आप बनाएं, ये हर पार्टी का अधिकार है, आप सम्मेलन करें, रैलियां करें, ये पार्टी का अधिकार है, करें, उनके लिए खुली छूट है, परंतु पन्ना प्रमुख जो हैं उनके पास आप अमनिशन नहीं देंगे, बारूद नहीं देंगे तो लड़ाई बंदूक बिना बंदूक से कैसे लड़ेंगे। जब पन्ना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे कि हमारे 15 लाख का हिसाब दे दो, 15 लाख कहाँ आए, आप ये बताओ कि आपने ब्लैक मनी की बात कही तो वो कहाँ गया, आप ये बताओ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वायदा किया था, वो वायदा खिलाफी जो आपने की है उसका हिसाब दो। जब ये लोग पूछेंगे तो पन्ना प्रमुखों के पास कोई जवाब नहीं होगा। टप्परे पंचायत प्रधान रजनीश कुमारी ने कहा कि समीरपुर में पूर्व सीएम धूमल के घर पर पंचायत के काम को करवाने के लिए कुछ लोगों के साथ पहुंची थी, लेकिन वहां पर जबरन बीजेपी का पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा बीजेपी में ना जाने का विरोध किया जा रहा है तो घर सुबह से लेकर देर शाम तक बीजेपी के व्यक्ति बैठे रह रहे हैं, जिससे बेहद परेशान हूँ। देखो जी, मैं धूमल जी के पास गई थी, प्रधान होने के नाते मैं उनके पास 1 बार नहीं 50 बार जाऊंगी, गई थी मैं उनके पास। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके वर्कर घर में आके धमकियां भी दे रहे हैं और जो भी न्यूज है वो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है कि सीटिंग प्रधान होने के नाते कि मैं जा नहीं सकती, कि उनके वर्कर क्या राणा जी के पास नहीं आते, वो भी आते हैं। सर आप बीजेपी को नमस्कार, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ 3-4 दिनों में किया ना जी, मैं कभी मैं क्या मेरे बच्चे तक नहीं जाएंगे, मैं राणा जी के साथ हूँ, इनके साथ ही रहूंगी और ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि उनको ये है कि अब मुझे दोबारा डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कि कल उनके बरकत 2-3 मेरे घर में बैठे और बोलने लगे कि ले जी बोले आपको 4 महीने के बाद देख लेंगे, आप उनकी पार्टी में गए तो हम ये करेंगे वो, ये गलत बात है, क्योंकि ये एक लेडीज होने के नाते ये थोड़ी कि किसी को जो मुंह में भी आए वो बोलता जाए, वो गलत बात है। राजेंद्र राणा ने बताया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए चुनावों के नजदीक आते ही बैठकों का दौर जारी है और इसी के चलते 12 जनवरी के
जगोह में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी 12 तारीख के जो जनसभा रखी गई है, जिसमें कुछ पंचायतें सुजैनपुर की आएंगी और कुछ पंचायतें हमीरपुर की होंगी, और ये कार्यक्रम जो है ये ग्राम पंचायत काले अंब के गजो में रहेगा, राज मैरिज पैलेस में एक कार्यक्रम रहेगा, और इसमें प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी इसमें शिरकत करेंगे। और लोकसभा चुनावों को लेकर जो है ये मोबिलाइजेशन जो है हर जिले में शुरू की गई है, और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। राजेंद्र राणा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कहा कि मुझे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने चुना है और मैं विधायक होने के नाते ही काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। मैं इस मामले में बड़ा स्पष्ट हूं कि सुजानपुर की जनता ने बहुत बड़ा जिसको कहते हैं जनादेश दिया है, और मुख्यमंत्री जो होने वाले मुख्यमंत्री थे उनकी अपेक्षा एक छोटे से कार्यकर्ता राजेंद्र राणा को सेवा करने का, सुजानपुर की जनता की सेवा करने का मौका दिया। मेरी प्राथमिकता सुजानपुर की जनता की सेवा करने का है, और मेरी कोई मनसा नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुजानपुर की जनता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है, और मैं उस विश्वास को कायम रखना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट इस बात में